कई मारूफ पाकिस्तानी शोबिज एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में आने से पहले ही अपने जीवन साथी का इंतखाब कर लिया था, जिनमें से कुछ ने बड़ी कारोबारी शख्सियात से शादियां की। आइए इन अदाकाराओं के बारे में जानते हैं। अदाकारा महरीन सैयद की शादी साल सन 2013 में लग्जरी फैशन हाउस के मालिक के बेटे से हुई। इन्होंने निकाह की तकरीब बिल्कुल सादा और इस्लामी शरीयत के मुताबिक मुनक्किद की। महरीन सैयद के शौहर का नाम अहमद हुमायूं शेख है, जो एक मशहूर कारोबारी शख्सियत है। हुमायूं शेख की वालिदा नसरीन हुमायूं मशहूर फैशन डिजाइनर है। पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा और साबिक सुपर मॉडल वरीजा अहमद की शादी इस्लामाबाद में मुकीम मशहूर ताजर अली अफजल मलिक से जुलाई सन 2010 में हुई। वो अपने शौहर अली अफजल मलिक को शादी से कबल बहुत अरसा पहले से जानती थी। अली अफजल ने इन्हें शादी की पेशकश की, जिसको वनीजा अहमद ने इस शर्त पर कबूल किया कि शादी बेजा रसूमात की बजाय बहुत सादगी से अंजाम पाएगी। अदाकारा सना टेलीविजन और फिल्म स्क्रीन का एक मशहूर चेहरा है और किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सना की अदाकार फखर इमाम के साथ शादी 13 दिसंबर सन 2008 को लाहौर में हुई और अब सना दो बच्चों की माँ है। सना के शौहर फखर इमाम अदाकारी छोड़ चुके हैं और फुल टाइम बिजनेसमैन हैं। फखर इमाम का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है और ये अपना ज्यादातर वक्त पाकिस्तान से बाहर ही गुजारते हैं। नामवर अदाकारा अतीका ओढ़ू ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा समर अली खान से दूसरी शादी की, जो कि सिंध के रुकने असेंबली भी रह चुके हैं। समर अली खान भी एक नामवर कारोबारी शख्सियत है। मदीहा शाह मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा है। यह कई पाकिस्तानी फिल्मों और स्टेज ड्रामों में परफॉर्म कर चुकी हैं। मदीहा शाह ने सन 2014 में कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत जावेद इकबाल से शादी की। शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली खूबरू अदाकारा फिजा अली ने तीसरी शादी एक बिजनेसमैन से की है। याद रहे कि फिजा की अपने पहले शौहर से एक बेटी भी है, जो फिजा के साथ ही रहती है। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।